इसलिए उन बातों का महत्व भी ज्यादा हो जाता है। सीधा बैठेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। आपको पता हो ओम के उच्चारण से पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है घर में। आजकल हम घरों में प्लास्टिक चेयर्स प्लास्टिक ज्यादा रख रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, टीवी है, ये सब नेगेटिव एनर्जी है घर में। इसलिए घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है। दिए जलाना भी जरूरी है। तेल का दिया जलता है तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने दिया जलाने की प्रथा रखी है। यूं ही दिया जलाने को किसी को कहो तो नहीं जलाते ना, इसलिए भगवान के नाम से दिया जलाओ। कम से कम आधा घंटा दिया जलना चाहिए घर में, तब पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है। ये सभी वेल प्रूव्ड साइंस है, ये कोई हम यूं ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी वेल प्रूव्ड साइंस है, जिससे हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आजकल के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है। इसलिए अभी हम कहते हैं ना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सबकी भलाई हो, सब सुखी हो। वो तब होगा जब हम अपने वाइब्रेशंस एनवायरनमेंट में फैलाएंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हम फैलाएंगे, तब हम भी बदलेंगे, दुनिया भी बदलेगी। पक्का है ना? सीधा बैठेंगे, ओ अपने मन के विचारों के ऊपर ध्यान देंगे और मन को मार्गदर्शन करेंगे। पहले पहले हम दिल से गीता ज्ञान दाता परमेश्वर सदाशिव परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। अहोभाग्य हमारे स्वयं गीता ज्ञान दाता की माध्यम से हमने गीता ज्ञान सुना। गीता ज्ञान के माध्यम से हमने खुद को पहचाना। पांच तत्वों के इस शरीर में चेतना है, जिसको अब तक हम मैं कहते हैं, उस चेतना का वास्तविक स्वरूप को जाना हमने। शरीर मात्र एक रथ है, हम इस रथ में सारथी हैं। शरीर एक वस्त्र है, इस वस्त्र को पहनकर अपना पार्ट बजाने वाले हम पात्रधारी हैं। शरीर एक क्षेत्र है, मैं आत्मा इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हूं, मालिक हूं। ज्ञान के आईने में मैंने खुद को देखा, बहुत सुंदर स्वरूप देखा खुद का, एक चमकने वाले सितारे की तरह है मेरा रूप। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, एक रोशनी हूं, एक शक्ति हूं, एक प्रकाश हूं मैं, पूरे शरीर को चलाने वाली।
मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कारों के द्वारा कर्म करती हूँ, इंद्रियों के माध्यम से, हाथ पैर चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ, लेकिन बिल्कुल शरीर से अलग। मैं एक शाश्वत शक्ति हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। मैं अमर ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने अपने स्वरूप को जाना, स्वधर्म को जाना। मैं एक शांत ज्योति हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर आनंद ही आनंद है, मेरा स्वधर्म आनंद है, आनंद से पूर्ण आत्मानंद स्वरूप हूँ मैं। मैं आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, सुख, सब शक्तियों के भंडार हूँ। परमात्मा ज्ञान सागर, परब्रह्म स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु, सर्वात्माओं के पिता, परमेश्वर की मैं संतान हूँ। परमात्मा की चित्र छाया में, उसकी याद में, मैं अपने अंदर की सारी शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सागर के साथ अपने ज्ञान स्वरूप की महसूसता कर रही हूँ। आनंद सागर पिता परमात्मा के सानिध्य में आत्मानंद के भरपूर अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता के सागर परम पवित्र पिता परमात्मा के छत्र छाया में, उनके संबंध से मेरे पवित्र स्वरूप की अनुभूति हो रही है। मैं शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, पवित्र हूँ। मैंने अपने सारी दुविधाएं, परेशानियां परमात्मा के समक्ष रख के अपने को हल्का कर लिया है। मैं निश्चिंत हूँ। परमात्मा के साथ कदम से कदम मिलके चलने का संकल्प ले रही हूँ। मैं खुश हूँ। खुशी के प्रकंपन चारों ओर फैला रही हूँ। परमात्मा से ली हुई सारी शक्तियाँ, गुण अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। ताकतवान बन रही हूँ। शीतलता की महसूसता हो रही है। इसी को पूरे दिन कायम रखूंगी। खुश रहना, खुशियां बांटना, शांत रहना, सबको शांति देना, मैं शांति वाहक का काम हूँ। मैं सदा खुश हूँ, खुश रहूंगी, खुशियां बांटती रहूँ।
ओम शांति शांति शांति।